कृष्णा, बाप रे, खुद ही रासलीला में बिजी हैं तो। हे श्रीराम, बेटे को बुद्धि आप ही दे सकते हैं। स्वामी, श्री राम जैसा बेटा चाहिए था, ऐसी ही परवरिश भी दी थी, फिर कृष्ण का डीएनए इसमें कहां से घुस गया? अब आप ही से संस्कारों की शिक्षा दीजिए। जब तक नीलाक्षी की सोच नहीं बदल जाती, मेरे हरिश्चंद्र जैसे बाप से उसे बचाए रखना। पुजारी जी, जजमान एक लैंड पर कब्जा किया है, भूमि पूजन करने का है। जजमान, ये मेरे से नहीं होगा। हाँ, कोई बात नहीं। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? जीजा जी, जीजा, जीजा जी, ब्रदर इन लॉ, कहाँ है तेरा जीजू? मैं तुम्हारा जीजा नहीं हूँ, अश्विन है। कौन अश्विन? मजाक छोड़ो, आप ही तो मेरे जीजा हो। ये तुम्हारा जीजा नहीं, मेरा बेटा है। लेकिन आप तो होना थे ना? हाँ, फुल मेंटल है पापा। अच्छा, एक भाई भी है। हाँ? पी के आया क्या बे? मतलब जीजा जी अनाथ नहीं है? चुप, नहीं तो चप्पल से मारूंगा, वो भी नई वाली नहीं पुरानी वाली से। मैं इसका बाप, ये भाभी और वो भाई, ये इसकी वाइफ, इतने रिश्ते होते हुए अनाथ कैसे हो सकता है? आदमी है पजामा। वाइफ? तुम तो गजा की बहन हो ना। इधर आना। मम्मी, मेरे जेठ का अपमान कर रहे हो। साले को पिटते हुए देख रहे हो जीजा जी? ये जीजा जी, जीजा जी क्या है? सर, अब आप ही डिसाइड कीजिए, आपका बेटा अनाथ है या आप ही इसके बाप हो। ये तो गया। चलो बताओ। पापा, कम पिया कर। सर, आप तो अच्छे इंसान लगते हो, आप ही सच बता दीजिए ना। झिंगुर, तू मेरी फैमिली को फेक समझ रहा है, एक चमाट मेरी तरफ से भी। ये मुझे कितना भी कंफ्यूज कर लो, लेकिन सच्चाई जानकर ही रहूंगा। दीदी, दीदी, क्या हुआ रघु? जमीन की डबल रजिस्ट्री की तरह जीजू ने दूसरी शादी कर ली और दूसरी बीवी के साथ मंदिर भी चले गए। अरे, आज तो वो हॉस्पिटल गए थे, तुमने किसी और को देखा होगा। अर्जुन, बुखार है, इसीलिए थर्मामीटर मुंह में ही रखा हुआ है। सुबह से लेटा हूँ, किसी पर गलत इल्जाम लगाओगे तो पाप लगेगा। वहाँ मंदिर में कौन था? दुनिया में हर इंसान के साथ हमशक्ल होते हैं, इतना भी नहीं पता? किसी के साथ हमशक्ल तो हो सकते हैं, लेकिन पूरी फैमिली कैसे हमशक्ल हो सकती है? नीलाक्षी, हाँ? पापा ने बताया भैया बीमार है। हाँ। क्या हुआ? उन्हें 108 बुखार है, थर्मोमीटर को लॉलीपॉप की तरह चूस रहे हैं। दीदी, जीजू का इसके साथ टाका भिड़ा है। ए रघु, ये कोई सेकंड वाइफ नहीं है, बल्कि ये ओनर के सेकंड बेटे की फर्स्ट वाइफ है। तुम बहुत भोली हो दीदी, जानती हो नीचे बेडरूम में सोने वाला दूसरा बेटा यही ठरकी है। भैया पर इल्जाम लगाते हुए शर्म नहीं आती? मंदिर में क्या कहा था कि ये तेरा हस्बैंड है? मतलब सुनिए ना, ये आदमी कह रहा है कि भैया को देख के मुझे कुछ कुछ होता है। ओ, तुम इसके पति हो? बहुत ही सही मौके पे आए हो, तुम्हारी बीवी का मेरे जीजू से टाका भिड़ा है। थैंक यू यार, मेरी बीवी अपने जीजू को बदनाम करता है। मुझे तो झोल लगता है तुम सब मिले हुए हो। बहुत हो गया रघु, अभी के अभी इन सब से माफी मांगो, वरना भैया से तुम्हारी शिकायत करूंगी। तुम भाई को बताओगी? उससे पहले मैं ही बता दूंगा किसने किससे शादी की है, कौन किसके साथ रह रहा है, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता, मेंटल हो जाऊंगा मैं। ये तो मरवाएगा। अश्विन, आज हम दोनों नहीं बचेंगे, इसे रोका नहीं तो यहाँ से अपनी अर्थी उठेगी। तू बिल्कुल टेंशन मत ले, इसे इतना कंफ्यूज करूंगा कि भाई की जगह सीधे पुलिस स्टेशन में जाएगा और वहाँ से पागल खाने में। आज या तो मैं नहीं या फिर वो नहीं। बड़ी जल्दी में हो गई, छोड़ दूं? है? भाई गिरी का एक नया कॉलेज खुला है, वहाँ लेक्चर देने जा रहा हूँ, चलोगे? अबे प्यून की औकात नहीं, लेक्चर क्या देगा? जैसे ही मैं गजा भाई को सच बताऊंगा ना, तो वो तेरी खाल उधड़ेंगे और उसे मैं हाफ पैंट बनवाऊंगा। ओ, मतलब सीधे पुलिस स्टेशन जा रहा है? मैं भला पुलिस स्टेशन क्यों जाऊंगा? तुझे पता नहीं चला? गजा भाई को अरेस्ट कर लिया। गजा भाई को अरेस्ट किया? देख रहा, पुलिस स्टेशन की मैं चाय बंद करवा दूंगा, शहर की सारी बसों की हवा निकाल दूंगा, पुलिस स्टेशन में चूहे छोड़ दूंगा। अबे सिर्फ भाव भाव करके भौंकता रहेगा, काटेगा भी। चल पीछे बैठ, बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते। तुम नालायकों को मैंने कितने मिस कॉल किए, किसी ने कॉल बैक नहीं किया, मुझे गुस्सा आ गया, SMS भेजा, रिप्लाई नहीं किया, मेरा पारा 10 डिग्री और चढ़ गया। मैंने सबको ट्विटर किया कि ये उल्टे सीधे काम छोड़ दो, किसी ने फॉलो नहीं किया। मैंने ईमेल किया, उसे भी स्पैम में डाल दिया, इसीलिए तुम सबको मजबूरन अरेस्ट करना पड़ा। तुम्हें दंगल चाहिए ना? अब होगी मेरे और तुम्हारे बीच दंगल। साहब जी, मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना था। ए, तुम तीर्थ यात्रा पर गए तो नेताओं को फर्जी वोट कौन दिलवाएगा, बिल्डर से हफ्ता वसूली कौन करेगा? दुनाई के प्रोग्राम की तुमसे शुरुआत करें। कांस्टेबल्स, सर, बातों से नहीं लातों से काम लो, शुरू हो जाओ। घर में दर्शन नहीं देते, सीधे पुलिस स्टेशन में प्रकट हो गए। प्रभु, पैसे मांगने आए हो? नहीं, ये गजा का आदमी है।
फौजरी का केस हो, किसी भी केस में इसको अरेस्ट कर लो बस। अरेस्ट कर लो? गजा भाई का है, समझ गया, मुझे फंसाया गया है। ए, पकड़ लो इसे, पकड़ लो। रियली आई लव यू माय सन, आई लव यू राजा। अश्विन, क्या ये तेरा बाप है? तुझे शक है मेरे बाप होने पर? मैं इसका बाप हूँ और ये मेरा बेटा है। जबरदस्ती बेटा मानने से इसके बाप बन जाओगे? इसका बाप एडवोकेट नारायण है, इन्हें सच क्यों नहीं कहते? नो कमेंट्स। पहला, नो कमेंट्स कहा? बेटा लोगों को बता दो वरना वो बातें करेंगे। बोल दो कि मैं ही हूँ तुम्हारा इकलौता बाप। पास। पास कहा तुमने? कौन बनेगा रोडपति चल रहा है क्या? बेटा एक बार कह दो सबसे कि तुम मेरी औलाद हो। बेटा जानते हो ना बॉलिंग मैंने की है, फिर उसकी विकेट किसी और को नहीं मिलनी चाहिए बेटा। जवाब देने के लिए कुछ चाहिए, ऑडियंस बोल। नानी, दादी, बेटा, अब तुम्हारा बाप कौन है ये ऑडियंस तय करेगी। इससे तो अच्छा होता कि तुम मुझे फांसी पर चढ़ा देते बेटा। सॉरी, सभी ऑप्शंस गलत। सर, कहाँ जाकर अपना मुंह छुपाऊं? थोड़ा कंफ्यूजन है, आपकी बात माने या आपके बेटे की? सर क्यों ना कॉम्प्रोमाइज कर ले सर। नो कॉम्प्रोमाइज। रघु को बंद करवाने गया पर पासा उल्टा पड़ गया, दिमाग भी काम नहीं कर रहा, किस्मत ही खराब है। पहले कपड़े धो लेना उसके बाद सफाई करना। कैसी हो? मैं वही करने जा रही थी। मेम साहब ये गिर गई। अरे क्या हुआ इसे? आंखें खोलो नीलाक्षी, उठो नीलाक्षी, आंखें खोलो। क्या हुआ? डरने वाली कोई बात नहीं है, तुम पापा बनने वाले हो। थैंक्स आंटी। नीलू अब कैसी तबीयत है? कॉन्ग्रेचुलेशंस, वाइफ की पोस्ट से प्रमोट होके अब तुम मॉम बनने वाली हो। मैडम आज से आप रानी की तरह रहेंगी, घर का बाहर का कोई काम नहीं करेंगी, बस आराम फरमाएंगी दिन भर। ससुराल वाले आम खाने को कहेंगे और मायके वाले इमली। जब तक आपका बच्चा ना हो जाए आपको बच्चे की तरह रखा जाएगा। अपना मुंह बंद रख, इस बेचारी की ऐसी किस्मत कहाँ, इसका पति तो अनाथ है। सॉरी नीलाक्षी, इसे नहीं पता ये क्या बोल रही है, तुम माइंड मत करना। अपने अकेलेपन से कभी दुखी मत होना, हम सब है ना, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे, तुम्हारी गोद भराई की रस्म हम करेंगे। अब तो खुश हो ना? हमारी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी भी हम साथ में शेयर नहीं कर पाए। दिल छोटा मत कर यार। जरीना पहले यहाँ की सफाई कर दे। जी मैम साहब, अभी कर देती हूँ। अर्जुन, भाभी चली गई। नीलू, तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। कुछ मत कहो अर्जुन, मुझे पता है तुम क्या कहोगे। तुम ये बात मेरे भैया को बताना चाहते हो है ना? अच्छा सुनो, पहले हम मंदिर जाएंगे और फिर शाम को दोनों भैया से मिलने जाएंगे। भाई, वो अश्विन ने बिना कत्ते का चूना लगा दिया। साफ साफ बोल, आपकी बहन से शादी करने वाला एडवोकेट नारायण का बेटा नहीं है, वो ऐसा एक कोटेश्वर का बेटा है। कोठी तो दूर खुद की खोली भी नहीं है, कार तो छोड़ो बाइक की भी औकात नहीं है उसकी। लुक्के के पास करोड़ों तक क्या चप्पल का भी पैसा नहीं है, एक नंबर का भंडलबाज है, उसे जिंदा मत छोड़ना। चलो रे। भाई भाई, जीजा जी ने तो हमें अच्छा खासा बेवकूफ बना दिया। क्या किया उसने? वो अर्जुन अनाथ नहीं है, उसकी एक फैमिली भी है। हमें झूठ बोला कि वो दीदी से प्यार करता है। आपकी बहन को धोखा देके उसने और एक शादी कर ली, वो भी गजा की बहन से। मुझे तो पूरा यकीन है कि वो गजा का ही आदमी है। भाई मुझे तो अब दीदी की फिक्र होने लगी है। अर्जुन, बस अब और झूठ नहीं बोलूंगा। नीलू के मंदिर से लौटते ही उसे पापा के पास ले जाऊंगा, कहूंगा कि यही इस घर की बहू है, फिर जो होगा देखा जाएगा। तुम सुप्रिया को लेकर जा सकते हो। पक्का ना? 100% श्योर। साहब जैसा आपने कहा था, उस सीढ़ी को काट के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सुप्रिया जान छोटी, आज से ऊपर नीचे का एक्सचेंज ऑफर बंद। बिल्कुल।
हा? हा? सोचा सीढ़ी कटवाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ये तो खुलेआम जा रहे हैं। ए, मेरी बहू को भगा के ले जा रहा है तू? तुझ पर धोखाधड़ी का केस ठोक दूंगा मैं। नोटिस व्हाट्सएप कर देना। क्या? एकदम सही टाइम पर आई है। अरे मैं बर्बाद हो गया। क्या हुआ अंकल? तुम्हारा पति मेरी बीवी, नहीं नहीं, मेरे बेटे की बीवी को लेके भाग गया। दिस इज टू मच अंकल, मैं अभी जाकर भाभी को बताऊं क्या? अरे नहीं, इस उम्र में बड़ी बहू को कौन ले जाएगा, सब समझाऊंगा। पहले स्कूटर पकड़ो, पकड़ो पकड़ो। पापा ये पाप है, भगा स्कूटर, भगा। माँ की शक्ल कह रहे थे, खुद ही भगा के ले गए। चला के बैठ, आना बैठना। अरे पकड़ के बैठ। अरे सुनिए, मुझे छोड़ के जरीना को ले जा रहे हो, सुनिए। सोचा था आज राज खुल जाएगा, लेकिन यहाँ तो डबल लफड़ा हो गया। वाट लग गई अर्जुन। अर्जुन, अर्जुन क्या हुआ भाभी? अपने भाई को देखो, जरीना को लेके भाग रहे हैं। अरे नहीं नहीं, वो कोई और होगी, मैं आपको ले चलता हूँ, चलिए। अर्जुन जल्दी चलो, मुझे तो पहले से उन दोनों पर शक था। बाहर निकल, जल्दी आ। यहाँ कोई नहीं है सर। ऊपर वाला किराएदार साहब की छोटी बहू को लेकर भुर हो गया है, और साहब रेंट पर रहने वाली लड़की के साथ भुर हो गए। इस घर का बड़ा बेटा नौकरानी के साथ चला गया है, और छोटा बेटा भाभी के साथ। बकवास बंद कर, कहाँ गया बता? अरे सब के सब हाई स्पीड में हाईवे में गए हैं। जल्दी चल। कहाँ जा रहे हैं हम? आउट ऑफ कवरेज एरिया। लेकिन वो क्यों? अरे हमारा भांडा फूट गया है। अरे गाड़ी चलाने भी नहीं आती, डायरेक्ट टॉप गियर में भगाओ। अरे अंकल इसमें गियर नहीं होते। गाड़ी में गियर नहीं है और पति में ब्रेक नहीं है। रुको पापा, कस के पकड़ना। भगाओ भगाओ भगाओ, भाग धन्नो भाग, तेरी पसंदी की इज्जत खतरे में। अरे पापा खुद को राजेश खन्ना समझ रहे हैं क्या? सारी शर्म बेच कर खा गए। अर्जुन तेज भगाओ ना। भाई वो देखो आपकी बहन को लेकर भाग रहे। गाड़ी घुमा। हेलो हेलो, पापा स्कूटर रोकी है। मैं नहीं रुकने वाला, तेरा फ्रेंड तेरी बीवी को भगा के ले जा रहा है। पापा जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप खामखा अपना बीपी क्यों बढ़ा रहे हैं? थू, फोन काट दे। भाई देखिए जीजा जी किसी और को लेके भाग रहे हैं। बच के जाने ना पाए। गाड़ी भगा, पीछा कर। छोड़ दो ना सर। हरगिज नहीं, टेररिस्ट को छोड़ सकता हूँ, किलर्स को छोड़ सकता हूँ, लेकिन लड़की को भगाने वाले को कभी नहीं। सर आपका लड़का एक लड़की को भगा के लेके जा रहा है। ओ तेरी। सर उसे छोटे बुड्ढे को देखिए।